इस व्हाट्सएप जिसे का स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स व्यूज स्टक के बारे में। इसमें मैं आपको कंफर्म बताने वाला हूं और गारंटी देने वाला हूं कि आपके व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं एक जरूरी चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस बंदे को देखो, ठीक है। ये कल वीडियो डाला था, इसका 77 के सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज देखो, ठीक है। व्यूज तो आप लोगों ने देख लिया, ओके। एंड ये क्या बोला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन इसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और ये बंदा कहा कि हम जो ट्रिक बताते हैं ना, काफी सारे वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, आप लोग देखे होंगे अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, ठीक है। तो कुछ सारे लोगों का जो मैं ट्रिक बताया हूं जो अपने से फाइंड करके, तो उसमें काफी सारे लोगों का व्यूज आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं कम्युनिटी टैब पे उनका कमेंट जो है पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब उनकी फोटोज को स्क्रीनशॉट लगा के कम्युनिटी टैब पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वो मैं अपने से नहीं लिखा, वो क्रिएटर ही है, ठीक है, मतलब जो हमारी ट्रिक को अप्लाई की है और उनके व्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने बताया कि इसकी ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो बंदा बता रहा है ना, ये कि उसको कुछ जानकारी है, पहले ये बताओ, ठीक है। ये कुछ जानकारी नहीं है, बस सीधा बता रहा है। लास्ट में आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं बता रहा है कि व्यूज कैसे आ सकते हैं, बस ये बता रहा है कि आप वीडियो रेगुलर डालते रहो और आपके व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। मतलब गाइस ये बताओ कि देखो अगर आप रेगुलर वीडियो डालते हो और आपके व्यूज 0 पे ठप हो जा रहे हैं, 10 पे ठप हो जा रहे हैं, 15 पे ठप हो जा रहे हैं, फिर भी आप रेगुलर वीडियो डालोगे, कमेंट करके बताना। रेगुलर नहीं डालोगे ना, आप डिमोटिवेट होने लगोगे और सोचोगे कि हाँ कोई ट्रिक फाइंड करो जिससे हमारा व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, मतलब व्यूज आने लगे, दिक्कत ना हो जब तक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अपडेट है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम अब अपडेट हो चुका है, पहले की जैसे नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको कुछ ट्रिक फाइंड करता हूं और आपको बताता हूं जिससे मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। आप मेरी आईडी को सबसे पहले चेकआउट कर लो, ये सारे रियल हैं, ठीक है। मैं अपने खुद एस्थेटिक पेज जो है उसे फॉलो करता हूं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बंदा अगर इतना एक्सपीरियंस है, इतना जानकारी है, तो मैं इसको चैलेंज करता हूं कि ये व्यूज ला के दिखाए, ठीक है। देखो ये खुद क्यों नहीं अपनी ट्रिक फाइंड करता है बताओ, ये मतलब दूसरों को बता रहा है, ऐसे उल्लू बना रहा है। मतलब यार देखो हम ट्रिक फाइंड करते हैं, इसके है इतना दम तो करे, मैं इसको चैलेंज करता हूँ ये भी ट्रिक फाइंड करे, ठीक है। देखो आप लोग के व्यूज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको कई सारी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपके व्यूज आएंगे, जो मैं खुद यूज किया हूँ, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं, ठीक है, हमारी टीम भी है, ठीक है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बंदे के अंदर अगर है कुछ भी नॉलेज इंस्टाग्राम का, तो ये चैलेंज करता हूँ कि ये कोई फाइंड करे, खुद फाइंड करे और बताए, ठीक है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखो व्यूज आ रहा है कि नहीं सबसे पहले, ठीक है। अगर होगा तो फेक वेक बढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, आप मेरी आईडी को जाके एक बार चेकआउट करो, ठीक है, उस पर देखना फिर, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं एंड उनके भी व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो यार ये एक्चुअली बात ये होती है ना कि इसमें व्यूज जो है एल्गोरिथम जब अपडेट हो जाता है ना, तो कुछ दिन तक व्यूज आना बंद हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी साइड में एक आईडी देखो, न्यू आईडी है, ठीक है। मैंने ये एक वेल 2 से 3 दिन हुआ, ठीक है, बनाए हुए, ठीक है। और इसमें पहली ही वीडियो में आप देख सकते हो व्यूज आ गया अच्छा खासा 2-3 हज़ार, ठीक है, और लाइक भी अच्छे खासे आ गए। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपके व्यूज कैसे आएंगे, ठीक है। मैं उस बंदे को कुछ कह नहीं रहा हूँ, बंदा मेरे बारे में इस तरीके से बोला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारी वीडियो कुछ सारे लोग 1000 में देखते हैं, 1000 व्यूज, ठीक है, उतना बड़ा चैनल नहीं है। लेकिन हाँ जो बंदे देखते हैं हमारी वीडियो और वो कहते भी हैं कि हाँ भाई आप इतना डीपली समझा लेते हो, कोई भी यूट्यूबर नहीं समझा पाता। तो मैं आपको बता दूं जो वो लोग बताते हैं ना ट्रिक, वो कुछ भी काम की नहीं होती है। ऐसी ट्रिक जो मैं आपको बताता हूँ ये सब कोई बंदा बताता नहीं है यूट्यूब पर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। केवल भाषण देंगे बस और चले जाएंगे, ठीक। और देश की बात ही करते हैं, ये करो वो करो, हैशटैग लगाओ, टाइमिंग करो वो करो, ये सब कुछ नहीं होता भाई। ये एक एल्गोरिथम उनको पता भी है, पहले ये बताओ, ठीक है। डीपली नॉलेज नहीं पता रहती है, ठीक है, और आपको ऐसे बता देते हैं, ठीक है। सो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको करना क्या है। देखो आपके 100% व्यूज आने वाले हैं। अगर आपके पुराने आईडी पे व्यूज नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो, पहले हम बात करते हैं कि आपको न्यू आईडी पे व्यूज कैसे लाना है। देखो आपको एक न्यू आईडी बनानी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम में बनाने के बाद उसमें 3 दिन तक आप कुछ मत करो, छोड़ दो आईडी को, ठीक है, ऐसे ही फोटो लगा के एक डीपी लगा लो, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, उस पर कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद 3 दिन के बाद आप उसी आईडी पर एक रील पोस्ट करो, फीड पोस्ट ऑन करके, ओके। एंड ड्राफ्ट में 20 से 30 सेकंड रख लो, उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके वीडियोज में व्यूज आ जाएंगे, 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक सजेस्ट करने लगेगा इंस्टाग्राम, ठीक है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में रील का ऑप्शन नहीं आता है न्यू आईडी पर, हाँ अगर आ जाता है फिर भी आपको पोस्ट नहीं करना है, 3 दिन के बाद पोस्ट करना है। 3 दिन के बाद आप पोस्ट करोगे तो आपके रील जो है
वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा इंस्टाग्राम। ठीक है, देखो ये सारी ट्रिक जो है ना कोई इस तरीके से नहीं बताता है जल्दी, ठीक है, बस उनको जो नॉलेज है वही बताते हैं। देखो ये बंदा वैसे कुछ कर नहीं रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, लास्ट में आपको बस यूट्यूबर की बुराइयां कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, और लास्ट में बता रहा है कुछ भी नहीं, कुछ सोल्यूशन बताया आपको कि व्यूज कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो आपको कुछ कहना नहीं उसके कमरे में जाके, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, बस ये हमारी ट्रिक को गलत बताया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यार हम इतनी मेहनत से मतलब कोई भी ट्रिक फाइंड करते हैं और आपको बताते हैं कि व्यूज का प्रॉब्लम आप कैसे भी करके सॉल्व हो जाए आपका, तो ये पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं छोड़ो यार इसकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैंने जो बताया कि आपको आईडी बना लेनी है न्यू, 3 दिन तक छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, 3 दिन के बाद 4th दिन जब होगा तो रील पोस्ट करना एंड व्यूज नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन व्यूज आने वाले हैं कन्फर्म, मैं बता रहा हूँ साइड में आप दोस्तों खुद ही आईडी, एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि व्यूज आ जाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करो और डीएम करो, मैं आपको खुद बात करूंगा और काफी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ उनका भी व्यूज आने लगा है, मैं आपको बता दूं यार कसम से बोल रहा हूँ, ठीक है, व्यूज आने लगे हैं। तो देखो यार ट्रिक फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके व्यूज स्टक हो रहे हैं तो, ठीक है, और देखो जिनके व्यूज मतलब अब जो जैसे पहले आते थे 2 से 3 हजार 4 हजार व्यूज, तो उनके व्यूज नहीं आ रहे थे ना, तो उनके उनको कैसे लाना है, ठीक है, देखो यार आपको ना गैप दे देना है, मतलब कि देखो अगर आप डेली वीडियो डाल रहे हो डेली 15-16-17 आ रहा है, ठीक है, व्यूज ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप 3 दिन तक गैप दे दो, ठीक है, 3 दिन के बाद गैप दे के 4 डे रील अपलोड करो एंड कंफर्म कहता हूं कि व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग में तो नहीं आएंगे पर सेकंड बार उसको आप फिर से ट्राई करना वही गैप वाला, तो पक्का आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिए, ठीक है, और बस इतना ही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगी वो वीडियो, ठीक है, थैंक यू।